नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं नवीन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छठ पूजा को लेकर पटना जिला प्रशासन अलर्ट है। पटना जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी से गायब दंडाधिकारियों का वेतन काटा है। दंडाधिकारियों को सो कॉज भी जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छठ में 599 मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति हुई, जिसमें 27 अनुपस्थित मिले थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि छठ में 599 मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति हुई थी, जिसमें 27 अनुपस्थित मिले थे, जिसके बाद पटना जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दंडाधिकारियों को सो कॉज नोटिस भी जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। प्रणव, पटना जिलाधिकारी की यह बड़ी कार्रवाई है, दंडाधिकारियों को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है, कैसे देखते हैं इसे आप? प्रणव, पटना जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दंडाधिकारियों को सो कॉज नोटिस जारी किया है। अपनी ड्यूटी से ये जो दंडाधिकारी हैं वो गायब पाए गए थे, इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई है, कह सकते हैं कि पटना के जिलाधिकारी जो हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। छठ पूजा को लेकर के सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है और खुद जिलाधिकारी या फिर आयुक्त की बात करें कुमार रवि, लगातार सुबह हो शाम हो रात हो गंगा घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और कंट्रोल रूम में जाकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं समय समय पर कि चीजें सही से हो रही है कि नहीं, जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है वो सही से कर रहे हैं कि नहीं। और इसी क्रम में कल जब जिलाधिकारी जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे, उस समय उन्होंने पाया कि कई अधिकारी दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट जिनकी तैनाती विभिन्न अलग अलग घाटों पर अलग अलग पॉइंट्स पर की गई है वो वहां पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने कंट्रोल रूम में जाकर जानकारी ली तो पता चला कि जो तमाम 27 अधिकारी हैं कुल अलग अलग घाटों के, जो अपने जहां पे उनको जगह प्रतिनियुक्त की गई थी वहां पर उपस्थित नहीं थे। जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है और जितने भी अधिकारी हैं यानी कि कुल 27 अधिकारी हैं जो अपने अपने जहां पे उनकी नियुक्ति हुई थी वहां पर मौजूद नहीं थे, उनका वेतन काटा गया है, वेतन काटा जाएगा। स्पष्ट है, जिलाधिकारी ने कहा कि जो जो मौजूद नहीं थे उनका उस दिन का वेतन जो है वो कटेगा। साथ ही साथ सो कॉल नोटिस भी भेजा गया है कि आप अपने अपने जो भी जगह आपको नियुक्त किया गया था वहां पर क्यों नहीं थे। तो अगर जवाब नहीं आता है उसके बाद विभागीय कार्रवाई भी होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है अपना काम करे, अन्यथा कार्रवाई होगी। यदि आप काम नहीं करना है तो आप पहले ही छोड़ के चले जाए। तो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है छठ पूजा को लेकर के, क्योंकि कई जगह गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ा भी है, ऐसे में खतरा जो है वो काफी बढ़ सकता है। इसलिए जिला प्रशासन अपने तरफ से कोई भी चूक नहीं चाहती है, इसलिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि वो हर चीजों को देख सके और मॉनिटरिंग कर सके। तो जिलाधिकारी ने स्पष्ट कह दिया है कि आगे भी इसी तरीके से मॉनिटरिंग होगी, सभी को अलर्ट रहना है, किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी रवि। प्रणव, अब जवाब मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की भी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए जवाब मांगा गया है, सो कॉल नोटिस भेजा गया है और छठ पूजा जैसे ही समाप्त होगा यानी कि परसों के बाद जवाब उनका जो आएगा उसको देखा जाएगा। जिलाधिकारी खुद उस जवाब को देखेंगे, जवाब से संतुष्ट होंगे तो कार्रवाई आगे नहीं होगी, लेकिन वेतन जो है जरूर कटेगा। लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं मिले, जवाब में अगर किसी प्रकार की कोई कोताही दिखी या फिर किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई तो उस समय जरूर कार्रवाई होगी और विभागीय कार्रवाई होगी। पहले भी हमने देखा है कि जिलाधिकारी ने कहा था कि कार्रवाई होगी तो कार्रवाई उन्होंने की थी। और खासकर छठ पूजा की बात करें तो महापर्व छठ पूजा है, बिहार से ही छठ पूजा की शुरुआत हुई और आज देश और विदेश में भी लोग मनाते हैं। तो पटना में, खासकर राजधानी पटना की बात करें तो किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो उसको लेकर के जिला प्रशासन खुद से अलर्ट है, मुस्तैद है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो, इसलिए कार्रवाई तो निश्चित होगी। शुक्रिया प्रणव इन तमाम जानकारियों के लिए।